हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे। मेरा नाम है मोली सिंह। आज के इस कमाल के वीडियो में हम बात करेंगे फोल्डिंग लैडर प्लस ये स्टेप। ये हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इसी बारे में बात करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मोली सिंह 1986 है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अभी बात करेंगे दोस्तों इसको क्या क्या मटेरियल से हमने बनाया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमने 25 mm x 25 mm 1 inch by 1 inch की पाइप से ये दोनों फ्रेम बनाए हैं। और इसकी डायमेंशन मैं आपको बताऊं तो ये ऊपर की साइड से 14.5 inch है, 14.5 inch, और नीचे से 2 feet, और इसकी लेंथ 5 feet है। इसकी हाइट जो हमारी सीढ़ी की हाइट रहेगी वो 5 फीट रहेगी। इसके अंदर हमने ये 3 स्टेप कटिंग करके डाल दिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है इसका साइज है 15 इंच, सेकंड स्टेप का साइज है 17.5 इंच, और थर्ड स्टेप का साइज है 20 इंच। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी बात। अब ये हमने यहाँ पे पहला होल डाला है 0.5 इंच पे, 12 mm पे फर्स्ट होल डाला है, और सेकंड होल जो किया है वो है 20 इंच पे, 20 इंच पे सेकंड होल है 20 इंच पे। यहाँ पे एक कैंची आएगी दोस्तों। इसके बाद ये हमने रेडी कर लिया। अभी इसके बाद हमारा ऊपर का बेस, ये हमारा बेस है 1.5 inch by 1 inch की पाइप से बनाया है। 45 डिग्री एंगल में पाइप को कटिंग किया है, पहले 45 डिग्री में कटिंग करके 15 इंच के 4 पीस कटिंग करेंगे, उनको जोड़ेंगे, वेल्डिंग करेंगे, कंप्लीट वेल्डिंग करके ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडर करने के बाद यहाँ पे 14 gauge 1/4 inch की एंगल है, 14 gauge 1/4 inch की 6 mm के होल डाले हैं, 2 inch गैप छोड़ के 6 mm के होल डाले हैं, सॉरी 2.5 inch पे ये होल डाले हुए हैं, 2.5 inch पे। इसके बाद ये जो दोनों एंगल है आमने सामने, हमने दोनों को वेल्डिंग कर दिया, फुल वेल्डिंग कर दिया अंदर से बाहर से। अभी है हमारा बेस तैयार हो गया है। बेस को हमने ग्राइंडिंग करके पूरा रेडी शेडी कर लिया। बीच का गैप जो इनका है करीब 1.5 inch 1.5 inch, ये बीच का गैप आएगा। ये पाइप का साइज है 25 mm x 40 mm, 1.5 inch by 1 inch पाइप का साइज है। ये हमारा बेस रेडी हो गया। अभी हमें जो ये बीच की ये कैंची जो बनानी है, ये हमारी बीच की कैंची है, इसके लिए हमने फ्लैट पट्टियाँ काट के तैयार कर रखी है। ये दोस्तों हमारी पट्टियाँ हैं, पत्तियाँ 1 inch 1.5 सूत मोटी पत्ती है ये, और इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक तो 0.5 inch रिप्ट की, 0.5 inch रिप्ट और 1.5 inch रिप्ट। और ये हमने यू बनाए हैं, खुद हाथ से बनाए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे बनाया है इसको। तो ये यहाँ पर लगेगा ऐसे, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अंदर की साइड में वेल्डिंग कर रखा है, और ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, खुल जाता है। अभी जो यहाँ पे जो रिपटें लगी है, ये वाली 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 4 उधर लगी हुई है। 8 रिपट आपको एक फोल्डिंग लैडर बनाने के लिए 8 रिपट आपको 1.5 inch साइज की चाहिए। ये 1.5 inch साइज है, ये 1.5 inch की रिपट है, 40 mm और थिकनेस है 6 mm, 2 सूत मोटी रिपट है। ये आपको 8 रिपटों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको कैंची बना के दिखाता हूँ, और ऐसे ही कंप्लीट वीडियो आप देखते रहें तो आपको समझ में आएगा फोल्डिंग सीढ़ी कैसे बनाई जाती है।
दोस्तों हमारी फोल्डिंग लेटर रेडी हो चुकी है, पूरा प्रोसेस आपने समझा। और ये वाली जो बगैर बेस की जो फोल्डिंग लेटर है, इसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप ये बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका भी कंप्लीट वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, पुराना वीडियो है। अभी इसमें एक लास्ट स्टेप रह गया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी ये हमारा हिल डुल रहा है बहुत, जैसे बंदा इसके ऊपर चढ़ेगा तो ये हिलता डुलता रहेगा, तो इसको रोकने के लिए हमें इसके ऊपर हमने वाटर लेवल रख लिया है बिल्कुल बैलेंस में सही करके। अभी हम इसको वेल्डिंग कर देंगे, इसको जाम कर देंगे ये वाला, और ये चलता फिरता रहेगा। दोस्तों हमारी फोल्डिंग लेडर विद स्टेप बनके तैयार है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी ये हमारी फोल्डिंग लेडर बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, बिल्कुल आसानी से ये फोल्ड हो जाएगी। सिंगल बंदा इसको यूज कर सकता है, कहीं भी लेके जा सकता है, बहुत ही आसान है। वजन 10 किलो है, इसकी कॉस्ट 1100 रुपये सेलिंग प्राइस। और ये हमने इसको खोल दिया, अब इस पर बंदा कोई भी काम करना चाहे ऊपर चढ़ के बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं हम, और अपने यूज में इसको ले सकते हैं। इसके ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं, खड़े होके काम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हर रविवार मैं रात को 9 बजे लाइव आता हूँ यूट्यूब पे। आपका कोई सवाल जवाब या अनुभव मुझसे साझा करना चाहें तो एवरी संडे रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।